तो आज हम सीख रहे हैं इसके अंदर कि किस तरह से एरे को रीड और राइट करवाते हैं लूप के जरिए। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि किस तरीके से हमने एक इंटीजर एरे को डिक्लेयर करना सीखा था और उसके अंदर उसके जो मेंबर्स थे उसके अंदर आईडी जो मेंबर्स थे उसके अंदर वैल्यूज़ को असाइन करना भी हमने सीखा था। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था कि किस तरह का एरे बनाना है, तो हमने उसके लिए उसकी टाइप को लिखा था, फिर उस एरे के नाम को लिखा था जो भी हमने उसके लिए नाम रखना था, जैसे इसका नाम रखा है हमने TEMP temp। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में उसके मेंबर्स की तादाद यानी कि क्वांटिटी डिफाइन की थी। तो ये हमने एरे बनाया है और इसकी जो तादाद है वैल्यूज स्टोर करने की यानी कि इसके अंदर जो खाने बनेंगे जो इसके अंदर शेल्फ्स बनेंगे वो बनेंगे 8। इस स्टेटमेंट को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एन इंटीजर एरे। इंटीजर एरे इसलिए क्योंकि ये इंटीजर है और अगर वैसे कहेंगे तो ये डिक्लेरेशन ऑफ एरे है। अब हमने इसके 8ों मेंबर में वैल्यूज को सेट करना सीखा था। तो कैसे किया था, हमने पहले एरे का नाम लिखना है फिर स्क्वायर ब्रैकेट में 0। अब 0 क्या है, ये 0 इसके पहले मेंबर की आईडी है, आईडी फॉर आइडेंटिफिकेशन यानी कि नाम। तो याद रखें 8 जो ऊपर लिखा है वो है क्वांटिटी ऑफ द एरे और यहां पे जो 0 लिखा है ये है आईडी ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ टेम्प एरे। सही है, ये इसकी आईडी है। अब इस मेंबर में क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, तो बीच में हमने एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया है जिसके बाद हमने एक वैल्यू लिखी है 43 जिसको भी हम कन्वर्ट करके 13 कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए कि इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर हो गई 13। इसी तरह से हमने आगे जो है दूसरे मेंबर में जो वैल्यू स्टोर करी है वहां पर हमने जो वैल्यू स्टोर की है वो देख लेते हैं। दूसरे मेंबर में हमने जो वैल्यू स्टोर की है वो 44 हमने स्टोर की है और तीसरे मेंबर में जो हमने वैल्यू स्टोर की है वो 38 की है। चौथे मेंबर में हमने जो वैल्यू स्टोर की है वो 32 की है। पांचवें मेंबर में जो वैल्यू स्टोर की है वो 37 है। छठे मेंबर में जो वैल्यू स्टोर की है वो 41 है। सातवें मेंबर में जो वैल्यू स्टोर की है वो 31 है। इसमें सिर्फ कंफ्यूजन पॉइंट ये है कि ऊपर क्वांटिटी आप बताएंगे वंस है, एक मेंबर बनाना है तो 1, दो मेंबर बनाने तो 2, थ्री मेंबर बनाने तो 3, लेकिन जब उनके अंदर वैल्यू सेट करने का वक्त आएगा तो पहले मेंबर की आईडी 0 होगी या उसकी वैल्यू का आउटपुट लेने का वक्त आएगा तो पहले मेंबर की जो आईडी होगी वो भी 0 ही होगी। अब ये हमने 7 मेंबर में स्टोर करा दिया क्योंकि हम एक फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं माइनस एक्स माइनस प्लस 1 वाले को, यानी कि एरे में जब भी वैल्यू स्टोर करें तो जितने आपको रिक्वायर्ड है उससे एक ज़्यादा ही रखें, वैसे भले 10 ज़्यादा रखें लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन एक फिर भी ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं इसका प्रिंट आउट हमने कैसे लिया था। तो प्रिंट आउट लेने के लिए हमने लिखा था यहाँ पे प्रिंट एफ न्यू लाइन day 1 असाइनमेंट ऑपरेटर %d कॉमा टेम्प और उसके आगे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में पहले वाले का आउटपुट लेना था तो 0 लिखा था, दूसरे वाले का आउटपुट लेना था 2 3 4 5 6 7, हमने इस तरह से सबका आउटपुट लिया था और ये बखूबी अभी काम कर रहा था। लेकिन इस वाले सॉल्यूशन में क्या हो रहा था, इस वाले सॉल्यूशन में ये हो रहा है कि एक स्टेटमेंट आपने लिख ली डिक्लेरेशन के लिए, अब उनके अंदर जब वैल्यू असाइन करनी थी तो जितने मेंबर है उतनी स्टेटमेंट लिखनी है, ये तो 8 है, अगर 80 होते तो 80 दफा लिखा जाता। फिर इसी तरीके से आउटपुट के लिए भी अगर 8 है तो 8 दफा स्टेटमेंट लिखी और अगर 80 होते तो 80 बार लिखा। इसको थोड़ा सा कंसाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए, आसान करने के लिए हम एक और टेक्निक का सहारा ले सकते हैं। यही काम हम उस टेक्निक के जरिए करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और वो टेक्निक है लूप। कैसे करेंगे, मैं इस फाइल को सेव एस कर रहा हूँ और SS14 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब देखिए मैं सिर्फ इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं इस पूरे प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट रखने वाला हूँ, एक तो ये स्टेटमेंट मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ
और ये सारी स्टेटमेंट मैं डिलीट करने वाला हूँ, और इसमें से सिर्फ मैं ये वाली स्टेटमेंट रखने वाला हूँ। यानी कि एक इनपुट की स्टेटमेंट रख ली मैंने और एक जो है आउटपुट की रख ली। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं ये करने लगा हूँ कि एक लूप बनाऊंगा स्ट्रक्चर। पहले मैं अपना लूप का मैकेनिज्म बनाऊंगा, ये उसकी बॉडी बनाई और ये स्टेटमेंट मैंने उसके अंदर डाल दी। ठीक है, अब मैंने लूप के लिए सेटअप किया कि भाई मेरा लूप कैसे स्टार्ट होगा। मैंने लूप को कहा कि भाई वो स्टार्ट होगा आई इज इक्वल टू जीरो से और आई लेस देन एट पे जाके वो एंड होगा। जब लेस देन एट होगा तो सेवन हो जाएगा, बल्कि मुझे करना चाहिए इसको आई लेस देन सेवन, तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स पर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, लेस देन सेवन मतलब सिक्स पर आ जाएगा, जीरो से सिक्स पर ये सेवन एलिमेंट्स को फॉलो कर लेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई प्लस प्लस। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर वैल्यू का भी इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैंने स्कैन एफ की स्टेटमेंट लिखी, तो पहले प्रिंट एफ लिख लेते हैं। प्रिंट एफ इंटर डे वन, ठीक है, डे वन टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस पे लेना है एंटर करेगा यूजर यहाँ पे। अब जब वो एंटर करेगा तो बेसिकली वो इनपुट कहाँ पे लेगा, वो लेगा स्कैन एफ करेगा स्टेटमेंट के जरिए, और स्कैन एफ करके परसेंट डी लगाएंगे और फिर ये वाली स्टेटमेंट को ऊपर ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे, एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पर जीरो के बजाय क्या लिख देंगे आई, और असाइनमेंट को यहाँ से क्या कर देंगे ख़त्म कर देंगे और ये स्कैन एफ में डाल दिया। ठीक है, अब आई चूंकि अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा तो ऑटोमेटिकली उसके मेंबर्स की भी वैल्यू, मेंबर की जो क्वांटिटी वो चेंज, जीरो वन टू थ्री चलता रहेगा और जो हम डेटा डालते जाएंगे वो उन मेंबर में सेट होता चला जाएगा। अब इसी तरीके से हम जब इसको यहाँ पे, क्योंकि वन लिखा है तो वन लिखने का मकसद ये है कि जितनी बार लूप चलेगा यहाँ वन ही लिखाएगा, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट नंबर है। यहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो लगाना होगा परसेंट डी, और यहाँ पे फिर कॉमा के बाद आई की वैल्यू को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो अब देखिए हमारा इनपुट तो बन गया, तो प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, तो अब देखिए पहले में मैं डाल रहा हूँ 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, तो आउटपुट में सिर्फ डे वन की वैल्यू आ रही है जो कि 33 आ रही है, जो हमारे पहले एलिमेंट की वैल्यू है। सही है, समझ में आ गई। अब ये तो हो गया इनपुट, अब आउटपुट बनाएंगे फोर के लूप के जरिए। तो देखिए नीचे आ गए हम यहाँ पर, और यहाँ पर फिर हमने फोर का लूप बना लिया, और फोर के लूप में हमने यहाँ पर दोबारा से इंटीजर करके आई ले लिया, जे ले लें, के ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई लेस देन सेवन करेंगे दोबारा, आउटपुट भी उतना ही आएगा। आई प्लस प्लस करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे, उसकी बॉडी बनाएंगे और यहाँ पे जाके उसकी बॉडी को क्लोज कर देंगे। अब प्रिंट एफ में आउटपुट कैसे बनाएंगे, डे वन, ठीक है, वन और परसेंट डी टेम्प, जीरो की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पे आई लिख देंगे। अब ये वन तो वन कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पर हम परसेंट लगा के और यहाँ पे परसेंट डी लगाएंगे और आई की ही वैल्यू का यहाँ पर भी आउटपुट ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पहला वाला परसेंट डी आई को करेगा और लास्ट वाला परसेंट डी इसकी वैल्यू को देखेगा। तो जब रन करते हैं प्रोग्राम को, एरर आ गया, कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ आई मल्टीपल, कह रहा है कि भाई आपने आई को दो दफा डिक्लेयर कर दिया। तो हम अपने कोड को थोड़ा सेट कर लेते हैं, एक ही दफा डिक्लेयर करेंगे, और एक दफा कहाँ डिक्लेयर करेंगे उसको, ना फॉर, दोनों फॉर्म में से कहीं नहीं, बल्कि हम यहाँ पे अलग से उसको डिक्लेयर कर देते हैं, आई इक्वल टू जीरो कर देते हैं। सही है, अब डिक्लेरेशन सेट हो गई। अब आपने पहले वाले मेंबर के लिए वैल्यू डाली 30, 32, 35, 36, 37, 38, 39, और ये सारे उसके एरे के मेंबर्स में सेट हो गए और ये उसका आउटपुट आ गया आपका। ठीक है, तो जहां आप 8 और 8, 16 स्टेटमेंट लिख रहे थे, अब उतनी लिखने की जरूरत नहीं है अब, बल्कि आप जितनी भी, अगर आप इसको बढ़ाना चाह रहे हैं तो अब आपको पूरा मैकेनिज्म में कहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेंज करने की जो जरूरत है वो यहाँ पर है। अगर आप इसको सपोज टू बी 18 करना चाह रहे हैं तो 18 कर लें, और यहाँ पर आप क्या करेंगे लेस देन 17 कर देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे लेस देन 17 कर देंगे, कॉलम कर दें। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू डालते जाए, ठीक है, आउटपुट भी आ गया आपका, यानी कि अब काम आपका क्या होने लग गया, ऑटोमेट हो गया। यानी कि अब आपको कोड नहीं करना पड़ रहा ज्यादा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना पड़ रहा है और वो ऑटोमेटिकली वहां पे परफॉर्म कर रहा है। सही है, अच्छा, इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे अब यहां पर हम जो है एक हम कांस्टेंट भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कांस्टेंट डिक्लेयर हम यहां करते हैं
डिफाइन, और यहाँ पे हम लिखते हैं सी ओ एंड कॉन्ट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं सपोज टू बी एट, और कंपाइल करते हैं कोड को, सक्सेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम अंदर डाल देते हैं कॉन्ट को, यहाँ पे भी हो गया, और यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कॉन्ट को, यहाँ पे भी देखें कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे भी लिख देते हैं हम काउंट को। ठीक है, कोड सेट हो गया। अब आपका क्या मसला बन गया कि यहाँ पर आपने कॉन्स्टेंट की एक वैल्यू सेट कर दी है 8। हाँ, तो अब जहाँ जहाँ काउंट लिखा हुआ रहा है वहाँ पे सबकी वैल्यू क्या होगी 8। तो अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, आप देखते हैं कितने इनपुट लेता है हमसे ये। तो देखें, इसने 7 का इनपुट लिया और हमें आउटपुट भी 7 का दे दिया। अब हमारा प्रोग्राम और प्रीसाइज हो गया। कैसे कि अब हमें कितने 10 का इनपुट लेना है, 12 का इनपुट लेना है, तो काउंट की वैल्यू को यहाँ चेंज करेंगे और ऑटोमेटिकली प्रोग्राम में सब जगह पे काउंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अच्छा, ये जहन में रखें, ये जो हमने डिफाइन किया है इसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट डिफाइन किया है, पर इसमें कॉन्स्टेंट का एक नाम रख दिया है, सी ओ एन टी। ठीक है, वैसे हम कांस्टेंट डायरेक्ट लिख रहे थे 1, 2, 3, 4, अब हमने उनका भी नाम रख दिया। तो जब नाम रख दिया तो अब कांस्टेंट का नाम हो गया, अब कांस्टेंट की वैल्यू अपडेट नहीं हो सकती, बस जो है वही रहेगी, जो आप यहाँ पे सेट कर देंगे उतनी ही बार वही एरे के मेंबर्स की तादाद हो जाएगी, उतनी बार ही लूप इनपुट पे चलेगा और उतनी बार ही लूप आउटपुट में चलेगा। तो अब देखें, अपडेट कर दी हमने क्वांटिटी, अब आपका प्रोग्राम भी आसान हो गया, आपकी लाइफ भी इजी हो गई। अब आप भले इसके अंदर 100 क्वांट की वैल्यू ऊपर जाके 100 रख देंगे तो वो इनपुट भी 100 बार लेगा और आउटपुट भी उस 100 का दे देगा, और आपको इसमें कोई टेंशन भी नहीं है, प्रोग्रामिंग कोड ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपने एरे को इनपुट भी ले सकते हैं लूप के ज़रिए और आउटपुट भी उसका ले सकते हैं लूप के ज़रिए। तो मैं यहाँ ऊपर कमेंट्स करके लिख देता हूँ, ठीक है, इन टेकिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एरे यूजिंग लूप फॉर लूप। ठीक है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपके लिए, ये समझने के लिए, ये कोड का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सेव कर देते हैं।